Hey guys, this is Sidro and you know me as well guys. तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. कुछ टॉपिक तो नहीं है पर वैसे ही मेरे को बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, तो अब तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए. एक महीने से ऊपर हो गया है मेरा गैस इधर, सब अच्छा चल रहा है. आप बताओ कैसा चल रहा है? आई होप कि सबका काम बन रहा होगा, धीरे धीरे लोग आ रहे होगा दुबई को. और अभी बहुत सी सिक्योरिटी की वैकेंसी आएगी फॉर कार्डियो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहुत से बंदे रिज़ाइन करके जाते हैं. एंड और दूसरी बात है, मैं एक रीज़न है मेरा भी वीडियो, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं बचता है, कि क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है. जिसको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है तो वो नीचे वीडियोस में देख सकता है कि मैंने किसके बारे में क्या नहीं बताया, क्या नहीं है. एंड मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं सिर्फ इस चैनल पे अभी मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ ब्लॉग है. एंड ब्लॉगिंग के लिए मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं ज़रूर शूट करता हूँ, कभी भी कुछ भी है मैं ज़रूर शूट करता हूँ. और फिलहाल के लिए तुम्हें पता, ड्यूटी के हिसाब से हमें टाइम नहीं मिलता. 12 घंटे ड्यूटी होता है, 2 घंटे ऊपर चला जाता है, वो ऐसे ही शाम हो जाती है. तुम बाहर भी क्या बनाओगे वीडियो, रात को क्या वीडियो बनाओगे? छुट्टी का तो ऐसा है कि छुट्टी है नहीं है, पर छुट्टी है तो फिर तुम्हें पता पैसे कटते हैं, फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है छुट्टी करके. आपको पता इधर मतलब जो भी है काफ़ी, एक दिन का छुट्टी का पैसा कटेगा तो बहुत. अब हम लोग पैसे कमाने हैं इधर, अगर ऐसा ही छुट्टियों का सीन करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है. हाँ, लास्ट में मैं बहुत से ब्लॉग बनाऊंगा, कोई सीन नहीं है. बाद में धीरे धीरे आपको बताऊंगा हर जगह जाके, करीब कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर. अभी मेरे भी थोड़ा काफ़ी टाइम गुजर गया है, और मेरा भी शायद 2 साल होने वाला है अभी. एंड उसके बाद शायद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक दो जगह घूम के आऊँ, आपको थोड़ा बताऊँ. और रही बात मेरी, एक और सेकेंड चैनल है जिसको मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो है गेमिंग का चैनल, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है गेमिंग का. एंड मैं पबजी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, एंड मोस्टली खेलता ही हूँ यार. मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं बहुत खेलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ग्राइंड करता हूँ उस चीज़ में. एंड जो एक प्रोफेशनल है मेरा, वो मैं उसको लेके चलता हूँ एक तरह, क्योंकि मेरा जो मन है मेरा वो मैं गेम में देता हूँ जितना मोस्टली मेरा टाइम है, जो भी कभी कभी फिलहाल के लिए. बाकी तो ड्यूटी टाइम आपको पता ही है, ड्यूटी में आप कभी ऐसा भी कभी मत करना या गेम खेलना कुछ भी है, क्योंकि कभी भी आप फंस सकते हो इस चक्कर में. अब मेरे से समझ सोचो कि भाई इतना चिल पिल ऐसा वैसा सही है, वो हर किसी के लोकेशन के हिसाब से होता है. और मेरा जो सेकंड चैनल है उसमें अभी थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, वो क्लचेस वगैरह डाल रहा हूँ उसमें, अभी बस चल रहा है. एंड इस सीज़न कॉन्करर भी किया यार, बहुत मुश्किल में किया यार, 3 दिन में मेरी तसल्ली हो गई, कसम से बोल रहा हूँ, मेरी तसल्ली हो गई. 3 दिन मैंने कॉन्करर किया था लगातार, मैं गेम खेलता रहा पूरे रात. एंड बस मुझे यही बताना था कि मेरा यही रीज़न है कि मैं अभी इसमें वीडियो नहीं डालता, क्योंकि ये ब्लॉगिंग चैनल है और दूसरा गेमिंग चैनल है, उसको अप टू डेट रहता है. मतलब और किसी को मेरे साथ गेम खेलना होगा तो सेटो है, लाइव है, वो मुझसे उधर गेम खेल सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है, मोस्ट वेलकम है जो भी प्लेयर है. मैं भी इतना अच्छा नहीं खेलता, पर फिर भी जिसको साथ खेलना है, टाइम पास करना है, वो आ सकता है. मतलब हमारे मेरे साथ गेम खेल सकता है, मुश्किल नहीं है. 3 दिन मैं गेम ही खेलता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता है. तो अगर ऑनलाइन रहेगा और आप कोई फ्रेंड कोई होगा जिससे वो मेरे से बात करना चाहता है, वो आराम से गेम के थ्रू मेरे से बात कर सकता है. नंबर मैं नहीं देता, नंबर आपको पता है, एक बार नंबर देते हैं अगर उसके खिलाड़े पड़ जाते हैं नंबर के, तो नंबर देना फ़ायदेमंद नहीं है. और वैसे भी मैंने जो नंबर लिया वो मेरा नहीं है, किसी और का नंबर है, तो वैसे ही नहीं मैं देना चाहता नंबर. तो बस गाइस, इतना ही था वीडियो में. आई होप आपको अच्छा लगा हो, कीप सपोर्ट गाइस. ये मत भूलो कि मैं वीडियो बनाना भूल गया हूँ, बस ये है कि अपने टाइम होता है, बट मैं टाइम वो मोस्टली अभी दूसरे चैनल को दे रहा हूँ, इससे चक्कर में कि थोड़ा गेमिंग का ग्रो हो जाए. तो मैं कुछ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ इन फ्यूचर कुछ हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आगे कुछ प्लान करेंगे. और भी वैसे बहुत से फ्यूचर प्लानिंग है, दूसरी कंट्रीज़ में जाने का भी है, कुछ और भी है, देखेंगे वक्त आने पे. सब धीरे धीरे होता है, सोचने से कुछ नहीं है गाइस, करना तो आपको ही खुद ही पड़ेगा. एंड बस यही है, इतना ही है. किसी को कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग नहीं यार, कंपनी के बारे में मत पूछा करो यार, मेरे को हर किसी कंपनी के बारे में नहीं पता होता है, तो आप उसके रिगार्डिंग मत पूछा करो. जो जो दोस्त मेरा कुछ कंपनी में काम कर रहा है, मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बता सकता. और हाँ भाई, अगर अभी मोस्टली मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अभी वैकेंसीज आएंगी तो रेडी हो, अभी चल रहा है, इंटरव्यूज भी चल रहा है. एंड आई होप कि आप लोग सभी
जो भी है एजेंट लोग, क्योंकि मैं देखा पंजाब साइड, जलंधर साइड, PSPD, हुशियारपुर साइड, उधर बहुत साइड ऐसा इंटरव्यू चल रहे हैं, वो लेबरों में के लिए चल रहे हैं, कोई COT के लिए चल रहे हैं, कोई यूरोप के लिए चल रहे हैं। तो यूरोप का तो ऐसा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, उधर की साइड जाना है तो। और आपको खुश देखो, अगर मैं कहा एक बात है नोटिस करना, जो 280 यूरो लगता है एक वीज़ा निकालने के लिए यूरोप माल्टा साइड में, अगर आपको उधर की साइड ट्राई करो तो हो सकता है आपका, आपको इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ज़्यादा नहीं, एक महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता है, 1 महीना 2 महीने लगते हैं, आपका काम हो सकता है। आप बस ट्राई करो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो मे बी आपको वो लोग प्रेफरेंस करें कि आप आ जाओ इधर, ऐसा वैसा जो भी है। तो गाइज इतना ही है, शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मेरा देखने के लिए यूट्यूब चैनल, एंड जो भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत वर्ष।